हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामास्वामी। आ चुका हूं आपके सामने एक राइड रिव्यू लेके। आज अपने साथ है चेतक प्रीमियम 2024 मॉडल। पता है आपको, अभी 2024 में ही हाल में ही बजाज ने चेतक प्रीमियम को लॉन्च किया है, मतलब कुछ एडवांस फीचर्स दिए हैं। तो सारे फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ आज के वीडियो में। सिर्फ राइड रिव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ऑलरेडी इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो सिर्फ फ्राइडे रिव्यू को ऊपर होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको पता है इसमें आपको कीलेस स्कूटर है, मतलब फैब की आता है, मतलब की यहाँ पर मैंने पॉकेट में रख रखा है। सबसे पहले आप देख लो की को, देखो की को मैंने पॉकेट में रख रखा है और ये बटन से स्टार्ट हो गया है। बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे देखते से अपडेट आया है, इसके मीटर कंसोल में अपडेट आया है। अब इसमें एक बड़ा सा 5 इंच का TFT मीटर कंसोल दे दिया जा रहा है। आप देख लो, इसमें पूरा TFT मीटर कंसोल है, तो एक मेजर अपडेट आप बोल सकते हो। चेतक में आपको अपडेट दे दिया गया है, साथ ही साथ इसके रेंज को भी बढ़ा दिया गया। देखो, इसमें पहले रेंज आपको कम आता था, लेकिन प्रीमियम मॉडल में अब आपको रेंज ज़्यादा मिल रहा है। 126 किलोमीटर का आपको इसमें रेंज मिल जा रहा है, और जो चार्जिंग टाइम है ना, वो भी देखा जाए तो एज़ कम्पेयर आपको यहाँ पर कम मिल रहा है। 4 घंटा 30 मिनट के अराउंड ये फुल चार्ज हो जाएगा। 0 से 100 चार्ज करने के लिए ना, मतलब 4.5 घंटे में आपका ये चार्ज हो जा रहा है। साथ ही साथ इसमें आपको ऑनबोर्ड चार्जिंग भी मिल जा रहा है, ये भी एक आप प्लस पॉइंट समझ सकते हो। वैसे देखो, आपको मीटर में बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। यहाँ आपको डेट मिल जाता है, क्लॉक मिल जा रहा है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिख रहा है, आपको इको स्पोर्ट्स। देखो, इसमें दो मोड मिल रहा है। सबसे पहला एक चीज़ समझ लो, इस स्कूटर में आपको एक टेक पैक नाम का एक सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। अगर आपने वो टेक पैक सब्सक्रिप्शन ले लिया ना, तो इसमें आपको 2-3 कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं जो उसमें मिल जाएंगे। जो टेक पैक का सब्सक्रिप्शन है ना, अराउंड आपको 9000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्राइस के अलावा। मैं आपको प्राइस वगैरह आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी देखो क्या क्या मिलने वाला है इसमें। सबसे पहले आपको नॉर्मल इको मोड तो मिलता ही है, अगर आपने टेक पैक ले लिया तो इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिल रहा है। तो ये भी है, इसमें आपको दो मोड मिल जा रहा है, साथ ही साथ इसमें आपको रिवर्स का भी मिल जाता है। तो रिवर्स वाला भी इसमें फंक्शन आपको मिल जाएगा, फीचर आपको मिल जाएगा, तो टेक पैक आपको लेना पड़ेगा। और एक जो सबसे अच्छा फीचर है, इसमें आपको हिल स्टॉप असिस्ट का फीचर है। देखो, अभी तो नॉर्मल रोड है, मैं यू टर्न लेता हूँ। देखो, बहुत इजीली तरीके से आप यू टर्न इसको ले सकते हो। अभी देखो, हिल स्टॉप असिस्ट क्या है, आपको पता है स्कूटर वगैरह को हम लोग ले जाते हैं ना, जब भी स्लोप वगैरह पे, तो थोड़ा क्या होता है, ऐसा फील होता है कि देखो बाइक गियर में रहता है तो नहीं नीचे आता है, लेकिन स्कूटर या इलेक्ट्रिक स्कूटर में तो गियर नहीं है तो पीछे आने लगता है। हिल स्टॉप असिस्ट क्या करेगा, जब भी आप स्लोप वगैरह पे चढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको स्टॉप, मतलब स्लोप पे भी स्टॉप रुक जाएगा, असिस्ट फंक्शन यूज करेगा और यहाँ पे रुक जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं आपका सेफ्टी इन्हेंस हो रहा है, अचानक से पीछे नहीं आएगा। एक पॉजिटिव चीज़ मिल रहा है अगर आपने टेक पैक ले लिया तो 9000 का। अभी बात कर लेते हैं लगे प्राइस की। यहाँ पे देखो, इसका ऑनर प्राइस पुणे में 1,47,000 के आसपास आता है, 1,47,000 के आसपास आता है। इसमें आपको इंक्लूडिंग ये जो इसका सब्सिडी है ना, ये इंक्लूडिंग है, अराउंड आपको 35,000 का इसमें आपको सब्सिडी मिल जाता है। देखो, और एक न्यूज़ आया है, अभी मार्च से इस सब्सिडी को ख़त्म करने वाले हैं, तो अभी आपके लिए अच्छा टाइम है। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं तो चेतक आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, आप अभी ले सकते हैं। अभी फाइव मंथ में आप ले लोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी प्राइस यहाँ पे बच जाएगा। बाकी सब्सिडी ख़त्म अगर हो गया तो फिर आपको थोड़ा प्राइस तो इंक्रीज हो ही जाएगा। अगर आप चेतक या बजाज का कोई भी प्रोडक्ट अगर लेना चाहते हैं, तो सौरभ बजाज टेलीकॉम में आप विजिट कर सकते हैं। शोरूम के सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर विथ मैप लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखो, अब इसकी बात करते हैं, इसमें आपको देखो टॉप स्पीड क्या जाने वाला है। जैसे मैंने बताया, टेक पैक जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आपने वो ले लिया ना, तो इसमें आपको जो स्पीड है ना, वो भी बढ़ जाता है। जैसे अभी आपको नॉर्मल इसमें स्पीड 63 KMPH का आएगा, लेकिन अगर टेक पैक ले लिया तो वहाँ आपको 73 KMPH का स्पीड आएगा। देखो, अभी जो ब्रेकर आया था, मैंने फील किया इसमें आपको, मैं थोड़ा तेज़ में था, ब्रेकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपको जर्क फील नहीं हुआ, मतलब इसमें आपको सस्पेंशन अच्छा यूज़ किया गया है। साथ ही साथ इसमें आपको फ्रंट में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक का यूज़ भी किया गया है, तो डिस्क ब्रेक की वजह से भी ना इसमें आपको सेफ्टी थोड़ा कहीं ना कहीं इनहेंस हो जा रहा है, ये भी आप एक प्लस पॉइंट समझ सकते हो। बाकी देखो, थोड़ा सा स्पीड करके देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सिटी में आपको जगह मिलेगा नहीं। देखो, 64
अभी तो सिटी है, आप अगर हाईवे वगैरह पे चलाओगे ना तो 73 km/h का स्पीड आपके लिए बहुत रहने वाला है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के हिसाब से। वैसे इसको चलाने के बाद ना मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि नॉर्मल आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हो, मुझे लग रहा है मतलब नॉर्मल जो स्कूटर होता है ना पेट्रोल स्कूटर उस टाइप का ही फील हो रहा है, अच्छा फील वगैरह दे रहा है। वैसे एक प्लस पॉइंट इसमें ये भी है कि इसमें आपको फुली मेटल बॉडी का यूज होता है ये चेतक में, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। जनरली आप प्लास्टिक वगैरह का यूज होता है ना तो वो जल्दी टूट जाता है मतलब, तो आपको रिप्लेस वगैरह करते रहना पड़ता है, पर ये मेटल बॉडी की वजह से थोड़ा अच्छा इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी वगैरह मिल जा रहा है। तो ये सब था जो मेन अपडेट आपको आया है इसमें। अगर देखा जाए तो एक टेक पैक एक्स्ट्रा दे दिया गया है, मीटर कंसोल को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, कुछ फीचर्स को ऐड ऑन कर दिया गया है, स्पीड आपका बढ़ गया है और यहाँ पे आपको रेंज वगैरह भी बढ़ गया है। तो ये सब कुछ इसमें आपको फीचर मिल रहे हैं। ये सब कुछ छोटा सा वीडियो था, राइड रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया, अभी सिटी में मैं आपको चला के दिखाया। बाकी देखो इसके ऊपर फुल रेंज टेस्ट वीडियो भी मैं बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो, वैसे मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखा है, डिटेल रिव्यू वीडियो बना रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नीचे इंस्टाग्राम आईडी देखा है आप वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।